खबर फास्ट की टीम आज मुरादाबाद में रियलिटी चेक करने के लिए सड़क पर उतरी है। आज मुरादाबाद में सड़कों पर देर रात क्या माहौल है और लोगों को किस तरह से इन सर्दियों में रातें गुजारनी पड़ रही हैं, इसी का रियलिटी चेक करने के लिए आज हम सड़कों पर हैं। तो ये है इम्पीरियल तिराहा, बुद्ध बाजार का ये एरिया है। यहाँ पर देखिए ये बाबा हैं और अपने इस ट्राईसाइकिल पर ही यहाँ पर लेटे हुए हैं। इनसे बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम है जी रामू है जी, क्योंकि हम तो कुमा तो सकते ही नहीं है जी। जैसे आप जैसे ही हमें दे जाते हैं, खिलाए जाते हैं। तो ये बताइए, आप यहाँ रात क्यों गुजारे? सर्दी बहुत है तो परेशानी नहीं हो रही होगी, दिक्कतें आ रही होंगी? नहीं सर जी, आती है परेशानी, अब क्या करा जाए बताइए आप। तो सरकार ने तो रैन बसेरे बना रखे, नगर निगम ने भी बना रखे, यहाँ पक्का बना हुआ है पास में, वहाँ क्या क्यों नहीं जाते? सर जी मेरी बात तो ऐसी है कि हम वो बेड ऊंचा है तो हमें चढ़ा नहीं जाएगा, हम किसी से कहेंगे कि भाई हमें चढ़ाओ फिर उतारो, इस वजह से हम नहीं जाते। देखिए ये वो है, हालांकि क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मसम्मान एक बड़ी चीज है और वही वजह है कि वो जो बाबा हैं वो वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि विकलांग हैं और इसी वजह से बार बार किसी कर्मचारी से कहना और उसके द्वारा वो काम ना करना तो वो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन बात करेंगे जी। भाई तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मानिक चंद है जी। तो ये बताइए, आप रात में खुली छत के नीचे सो रहे हैं, परेशानी दिक्कतें नहीं हो रही होंगी? ठंड नहीं लगती? अरे ठंड तो लगती है जी, अब क्या करा जाए फिर जी, ठंड तो पड़ेगी लगेगी। अब ये अपना सहन करके पड़े रहते हैं और क्या करें। तो क्यों नगर निगम ने जब रैन बसेरे बना रखे हैं तो वहाँ क्यों नहीं आए? अरे जाए क्या, बहुत से तो पैसे मांगते हैं, किसी पे आधार कार्ड नहीं है, किसी का आधार कार्ड खो गया है सर, तो इसलिए वो मना कर देते हैं, तो अपने इधर ही पड़ जाते हैं, फिर क्या करें। तो ये सारे लोग ऐसे ही हैं कि वहाँ पर कभी गए नहीं है लोग? नहीं जाते भी हैं मगर इन्हें सोने नहीं देते वो, किसी का आधार कार्ड है तो वो सोएगा, इस पर नहीं है वो नहीं सोएगा, इन लोगों ने ये कर रखा है। और फिर पैसे मांगते हैं फिर इन लोगों से, फिर हम पैसे कहाँ से लाएं? अच्छा ऐसे ऐसे लोगों को नहीं सोने देते? नहीं नहीं, आधार कार्ड वालों को सोने देते हैं। अब जिसका मतलब सरकार में नाम गया हुआ है, उसका गुम हो गया, खो गया आधार कार्ड, उसको भी मना कर देते हैं कि नहीं नहीं। लेकिन वो तो सोने के लिए है, रात गुजारने के लिए है, तो आप कभी परेशानी नहीं बताते कि भाई हम पे आधार कार्ड नहीं है? बताते हैं फिर भी नहीं जाने देते, फिर भी मना करते हैं कि आधार कार्ड लाओ। तो देखिए ये वो लोग हैं जिनके सामने कहीं ना कहीं परेशानियां तो हैं। हाँ ये बात भी सही है कि नगर निगम की ओर से एक एक व्यवस्था की गई है कि जो भी वहां पर रुकेगा या जो भी रैन बसेरे में रहेगा उसके लिए आधार कार्ड जरूरी है। लेकिन अगर किसी की जान से ज्यादा आधार कार्ड की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है, तो अगर इस तरीके की लापरवाही भी सामने आ रही है। और देखिए क्योंकि सड़क के किनारे ये वो लोग हैं जो सो रहे हैं और जिनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था सरकार शासन प्रशासन की तरफ से की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इन सारी व्यवस्थाओं के बाद भी सड़कों के किनारे पर लोगों को रातें गुजारनी पड़ रही हैं और सर्दी में अपनी परेशानियों को छुपाते हुए एक पतली सी चादर में रात गुजारनी पड़े, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी शर्मनाक बात है और सरकार के लिए भी एक बड़ा धब्बा है। निगम की ओर से तैयारी रहती है, क्या लग रहा है इस बार? इधर कोई नहीं लगती है, नगर निगम 2 साल से अलाव जला नहीं गया है। तो बिल्कुल नहीं जला रहा? बिल्कुल नहीं जला रहा है, कोई अवस्था नहीं है। हम कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर करके जलाते हैं, हम चौकीदार हैं यहाँ के। क्या कहेंगे नगर निगम से, क्या कहना है कि हर बार व्यवस्था होती थी? नगर निगम से यही कहना है मुझे कि हर बार जी अलाव की व्यवस्था होती थी, लेकिन इस बार नहीं हुई है और सर्दी खूब जोरों से पड़ रही है। हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने, हम खुद ही आग जला रहे हैं, हम यहाँ के चौकीदार हैं, आबकारी भवन के ठीक सामने। तो ये कहाँ से आपने व्यवस्था की, ये बांस कहाँ से? हम ऐसे ही इकट्ठा कर करके सड़कों पर कूड़ा कबाड़ बीन करके जला रहे हैं। ये भाई साहब भी ऐसे यहाँ पर बैठेंगे?
देखिए अभी अब मैं आपको बता, भाई साहब यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे अब? हाँ अभी फिलहाल तो ऐसे बैठेंगे। तो फिर जब जब ये आग ये बंद हो जाएगी तब क्या करेंगे? चले जाएंगे। किस तरह की व्यवस्था है अभी? कहीं पर लकड़ियाँ मिली नहीं आपको? अभी कुछ नहीं मिला। जो लकड़ी आती है वो लोगों के घरों में पहुँच जाती है हर साल। इस बार कहीं रखी गई है? नहीं अभी नहीं। क्यों जला रही है इसको भाई? अभी कुछ नहीं। तो देखा ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस सर्दी को झेल रहे हैं और उनको जो परेशानियां हैं उनसे दो चार होना पड़ रहा है। अब ऐसे में नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो शहर में अलाव की व्यवस्था करें और शासन के द्वारा जिस तरह की तैयारियां की जाती हैं सर्दी से निपटने के लिए, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी नगर निगम की ओर से अभी भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान।